लोगों को कंफ्यूजन है कि भाई इंग्लिश में शुरू करें कि हिंदी में करें कि गुजराती में करें कि मराठी में करें कौन से लैंग्वेज में करें सी देखिए लैंग्वेज ना काफी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है इसका जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो

पहले कंटेंट खुद से बनाना अभी हम आएंगे कंटेंट हाँ। पे तब हम बात करेंगे इसके आफ बारे आफ बारे आफ में। आफ हिंदी से करी थी क्योंकि मुझे इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं था मुझे लिखने में बहुत समय लगता था एक इंग्लिश आर्टिकल लिखने में बट हिंदी आर्टिकल में दो घंटे के अंदर निपट देता था काफी अच्छे से इवन अभी आज के टाइम में गूगल दस इंडियन लैंग्वेज को सपोर्ट करता है जिसमें गुजराती कन्नड़ मलयालम हिंदी बंगाली उर्दू ये सारे लैंग्वेज आते हैं तो आप इनमें से किसी भी लैंग्वेज पे शुरू कर सकते हो और आपको फायदा भी मिल सकता है रीजनल लैंग्वेज पे शुरू करने का हाँ। और अक्सर ये होता है ना कि लोग रीजनल लैंग्वेज को इन जनरल बहुत इग्नोर कर करते हैं बट ऐसा है नहीं रीजनल लैंग्वेज के पास बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है इंटरनेट पेनिट्रेशन भी हो रहा है रीजनल हाँ ज्यादा हाँ। हो रहा है अब जैसे मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अगर बताऊँ सो अभी मैं कुछ दिन पहले कैब में ट्रेवल कर रहा था तो वहां पे जो मेरी लोकेशन थी ड्राइवर को समझ नहीं आ रहा तो उसने वॉइस सर्च किया हिंदी के अंदर okay. और गूगल ने रिजल्ट्स भी उसके अकॉर्डिंग ही दिखाए सो so, यहां से आप देखो कि जैसे जैसे इंटरनेट पेनिट्रेट हो रहा है तो यूजर भी काफी ज्यादा नॉलेजेबल है कि उसको कैसे सर्च करना है